हाँ अभी देते हैं अंकल, वो नहीं लूँ ना। अपने घर को खूबसूरती से सजाइए, आइए पर्दे वाला द फर्निशिंग बुटीक। यहाँ है डी डेकोर जैसे टॉप ब्रांड्स, कर्टन और सोफा क्लोथ, स्लीप वेल मैट्रेसेस एवं फोम्स, साथ ही इंडिया सर्कस के होम डेकोर आइटम्स की विशाल रेंज। पर्दे वाला LIC कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर। सर आज हम जिला कलेक्टर में मौजूद हैं, जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देने आए हैं दरगाह बाईपास जो कहलाता है दरगाह संपर्क सड़क, उसके लिए उसके बाबत। दरगाह संपर्क सड़क में बारिश के टाइम में क्या होता है, वो पूरा पहाड़ी इलाका है, तो बारिश के समय में जो ऊपर से पहाड़ों से पानी बिखर आता है, कचरा और कादा कीचड़ जो बिखर आता है वो आके रोड पर साइड में जमा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उस रोड पर गड्ढे हो जाते हैं और कादा कीचड़ हो जाता है, तो वहाँ से जो आमजन और रहवासी हैं और जो आम जायरीन हैं और जो श्रद्धालु जाते हैं अपने जनेश्वर मंदिर पर और भाटापाव मंदिर पर दर्शन के लिए, वो लोग भी उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। और जो दरगाह का जो रास्ता है वो बिल्कुल कंजेक्टेड एरिया है, बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो यही एकमात्र रास्ता और मुख्य रास्ता है जो वहाँ के रहवासियों आमजन जायरीनों और श्रद्धालुओं के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है सुगमता के लिए, वहाँ से आसानी पूर्वक आया और जाया जा सकता है। लेकिन बारिश के समय में वहाँ के रोड की हालत बिल्कुल जर्जर और बिल्कुल दयनीय स्थिति में आ जाती है, आए दिन गाड़ियाँ स्लिप होती है, कभी किसके चोट लगती है, कभी क्या दुर्घटनाकारित होती है, तो हम कलेक्टर साहब से मांग करते हैं कि आप उस रोड की तरफ ध्यान दें और संबंधित डिपार्टमेंट के जरिए उस रोड को बनाने बाबत कार्रवाई अंजाम में लाएँ। और जो हुसैनी मोहल्ले से लेकर पप्पू भाई की टाल तक का एरिया है, उस एरिए में ज़्यादा कीचड़ कादा और गड्ढे हैं मौजूद हैं, तो उस रोड को कंक्रीट और सीमेंट से बनवाया जाए, बाकी के रोड पर डामरीकरण किया जाए। और इस रोड के टूटने और गड्ढे होने का मुख्य कारण है दोनों तरफ नाली का ना होना, तो इसके लिए दोनों तरफ गहरी नाली का निर्माण किया जाए, जिसके जरिए जो बरसाती पानी और जो डेली पानी व्यर्थ बहाया जाता है, गंदा पानी जो नालियों का होता है, वो नाली के जरिए भेजा जाए और रोड पर ना आए, जिससे रोड बार बार इस तरह से ख़राब ना हो और आमजन को कोई परेशानी ना हो। इसी मांगों के साथ हम मांग करते हैं हमारी मांग पे गौर किया जाए और इस समस्या का समाधान कर आमजन को राहत प्रदान की जाए। मैं मोहसिन खान डंगरेस, यूथ कांग्रेस महासचिव, जिला अध्यक्ष पायलट ब्रिगेड अजमेर, प्रदेश प्रभारी पायलट ब्रिगेड राजस्थान, मेरी पूरी पायलट ब्रिगेड टीम के साथ।